सी, हम लोग लाइफ के हर स्टेप्स प्लान कर सकते हैं, बट एक चीज मान के चलिए, लाइफ हैज अ कंप्लीट डिफरेंट पिक्चर फॉर अस। हम कितना भी प्लानिंग कर लें, मेरी दादी माँ हमेशा कहती थी, हम लोग प्लानिंग तो सदियों की करते हैं बट अगले पल का भी ठिकाना नहीं है। हम खुद रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो ठिकाना नहीं है, प्लानिंग 20 साल की करते हैं। हम लोग क्लाइंट्स को रिटायरमेंट प्लानिंग बताते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग बताते हैं, नेक्स्ट 10 मिनट्स विल बी देयर और नॉट वी हैव नो आइडिया, राइट? सो लाइफ हैज अ डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग विद यू। द वर्ल्ड वी लिव इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और दुनिया को आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप खाली अपने आप को चेंज कर सकते हो। हमेशा याद रखना, राइट? न्यू थिंग्स विल बी हैपनिंग। खाली एक अच्छी बात है, जितनी गलतियां करोगे आप जब ओल्ड होते हो, यू बिकम लिटिल मोर वाइजर, यू नो कि अब ये नहीं करना है, राइट? मैंने मेरे घर वाले मेरे को एक अच्छा डायलॉग देते हैं, बोलता है, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से अकल आती है, राइट? तो जब आप इतनी गलतियां कर लेते हो तो आपको अकल आती है कि भाई नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना है। सो और एक बात है कि वी डोंट नो लाइफ, व्हाट विल लाइफ थ्रो एट अस, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टू अस नेक्स्ट टुमारो, डे आफ्टर और नेक्स्ट ईयर, तभी तो जीने का मजा है। अगर आपको पता है कि कल परसों तरसों क्या होगा, तो देन द पर्पस ऑफ लाइफ इज ओवर, एंड दैट इज व्हाई इट सेज एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू चैप्टर, फॉरगेट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, स्टार्ट फ्रेश टुडे। एक खराब चीज क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना दोस्तों, इट डज अ वेरी टेरिबल वे ऑफ प्रिपेयरिंग अस फॉर अननोन। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में रिस्क लेना नहीं सिखाया जाता है। हमारे स्कूल कॉलेज में क्या बताया जाता है, एकदम सेफ्टी, मतलब जॉब करो, यू नो दैट इज व्हाई इन आवर कंट्रीज वी डोंट सी मच एंटरप्रेन्योरशिप, इन द सेंस गूगल, फेसबुक, ये सब बाहर जाके क्यों होता है, बिकॉज अगर हम यहाँ करके हम फेल हो जाएंगे ना। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड, बिट्स पिलानी से पढ़ के अनअकैडमी ज्वाइन किया, 18-18 घंटा काम कर रहा था, राइट? उससे पहले वो एक छोटी कंपनी में था, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो मैं उसके पेरेंट्स से बोलता था कि अरे आपका लड़का इतना अच्छा काम कर रहा, बोलता कर तो रहा है लेकिन अब इसकी शादी होने वाली है, मैं सामने वाली लड़की को क्या बताऊंगा कि ये कहाँ नौकरी करता है, कोई बड़ा नाम नहीं है जहां वो काम करता है। लुक एट द माइंडसेट आवर सोसाइटी इज हैविंग, वो पूछेंगे कितना कमा रहा है तो मैं क्या बताऊंगा, स्टार्टअप में तो क्या कमाई होती है, कुछ नहीं होती है। मैं बोलता हूँ आपका बेटा बिट्स पिलाने से पढ़ा है, ये काफी नहीं है सामने वालों को समझने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज, बट वी आर समहाउ हैविंग अ रॉन्ग यार्डस्टिक्स, कितना पैसा कमाता है, कहाँ काम करता है, ये फ्लॉ, ये सब मेट्रिक लेके हम चलते हैं। एंड थैंक्स टू एजुकेशन सिस्टम वो बताता है कि सक्सेस मीन्स आप कितना कमा रहे हो, सक्सेस मीन्स आप कौन से ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। अगर ये करने जाएंगे तो स्टार्टअप्स होंगे ही नहीं। सो दैट इज व्हाई आई एम समहाउ, आई ऑलवेज व्हेन आई गो एंड डू माय सेशंस एट दीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, आई टेल ऑल द स्टूडेंट्स, दोस्तों मार्क्स के पीछे मत भागो, आप ये बताओ कि आज आपने क्या सीखा है। द डे यू टेल योरसेल्फ कि आज मैंने कितना कुछ नया सीखा है, योर लाइफ विल चेंज। एंड जैसा कि मैंने, आप ये जो सेशन में आए हैं, मैं चाहता हूं कि, मैं ये नहीं चाहता कि आप 50 पेज का नोट्स बना के जाएं। आज के सेशन में अगर आप लोगों ने एक चीज सीखी है और उसको जाके इंप्लीमेंट करते हो, सर आपका टाइम पूरा वर्थ हो जाएगा, राइट? सो यू नो सोसाइटी हैज वायर्ड अस टू बी प्लानर। आप लोग में से कितने लोग ट्रैकिंग पे जाते हो? आई कैन सी 5% ऑफ द हैंड्स। आई लव ट्रैकिंग। यू नो ट्रैकिंग में जाने का एक फायदा क्या है दोस्तों, कंप्लीट अननोन, आपको पता ही नहीं आगे क्या है, तभी तो मजा है। कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे आएगा, कभी पूरे स्लाइड होगी, गिरोगे, उठोगे, लगेगी, चोट आएगी, फ्रैक्चर होएगा, तभी तो मजा है फन का, ट्रैकिंग का। नए दोस्त मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नए कंडीशंस मिलेंगे, राइट? सो मेनी ऑफ द थिंग्स हैज टू बी अनप्लान्ड। आवर एजुकेशन सिस्टम डजंट टीच अस टू टेक रिस्क एंड एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, राइट? सोसाइटी हैज इंग्रेन्ड इन आवर ब्रेन्स टू प्ले थिंग्स सेफ एंड गो व्हाट वी वांट टू, मतलब जो हम करना चाहते हैं वो करते हैं। इसीलिए आज के डेट में जब मैं मेरे क्लाइंट से मिलता हूँ, आई फाइंड दोस्तों 80% ऑफ माई क्लाइंट्स आर मेकिंग गुड मनी बट दे आर नॉट हैप्पी विद द वर्क दैट दे आर डूइंग, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल इन द जॉब्स। आप में से कितने लोग ये जो काम कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं, वर्सेस कितने लोग जो इतने पैशनेट है इस काम के लिए,
राइट, अनलेस यू आर पैशनेट इन योर वर्क. आप मेरे से लिख लिए, यू कैन नेवर बिकम द रियल बिग. कहीं ना कहीं आप यू विल फॉल्टर इफ यू आर नॉट डूइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. टुडे दिस थिंग इज नॉट अ वर्क और बिजनेस फॉर मी, इट्स अ प्ले बिकॉज आई लव इट. आप मुझे रात को 12 बजे उठा दो और बोलो कि आपको 200 लोगों को बोलना है, आई विल गो फ्लॉलेस बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम हियर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम हियर. राइट, दैट्स व्हाट हैज टू बी द एनर्जी. BITV चैनल पर आपका स्वागत है. BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.